सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का वुमेन चेंज द वर्ल्ड क्लास 7 का चैप्टर 5 लेकर के। आपको पहले के वीडियोस में ही बताया गया था मेरे द्वारा आपको कि हमने सारा वीडियोस क्लास 6 और 7 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का आपको चैनल में पैरेलल अपलोड करके देते जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं हमारा वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। तो देखिए क्या होता था कि पहले के दुनिया में, मतलब पहले के वर्ल्ड में, पहले के सोसाइटी में क्या होता था, जब सोसाइटी मॉडर्न नहीं हुआ था तब का बात है ये, कि वुमेन्स को ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिया जाता था। उनको बोला जाता था कि आप घर पर ही रहिए और आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, मतलब कि अपॉर्चुनिटी उनको नहीं दिया जाता था, मौका उनको नहीं मिलता था। और उनसे जो उम्मीद था, एक्सपेक्टेशन था, वो बहुत ही ज़्यादा हाई था और वही एक्सपेक्टेशन पे वो अड़े रहते थे। उसी को बोला जाता था रिजिड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और कम अपॉर्चुनिटी को फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज, ठीक। तो इसमें आपको बेसिकली बताएंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स को कैसे एक ही मतलब फिगर के साथ स्टिक करके रख दिया जाता था, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट, पीपल इन आवर सोसाइटी लिंक जॉब विथ जेंडर। तो पीपल्स जो हैं हमारे सोसाइटी में, जितने अभी के भी सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा, लड़कों और लड़कियों में जॉब को भी लिंक कर दिए हैं। जैसे कि लड़के, अगर लड़के का मैं बात करूँ तो लड़कों को कहा जाता है कि आप टेक्निकल जॉब करें जो साइंस से रिलेटेड है, जो मशीन से रिलेटेड है, आपको अच्छा समझ आएगा। क्यों नहीं गर्ल्स को अलाउ किया जाता है? लगता है कि गर्ल्स का उतना माइंड तेज नहीं है जितने बॉयज़ का है, ठीक है। उनको कहा जाता है आप डॉक्टर बन जाइए, नर्स बन जाइए, क्योंकि वो बैठ करके काम होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा दिमाग उसमें भी लगता है, लेकिन उसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं पड़ता। प्रोफेशनल इंजीनियरिंग भी प्रोफेशनल है, मगर वहाँ पे साइंस के साथ थोड़ा ज़्यादा और उसमें अपना भी दिमाग लड़ाना पड़ता है। इसी के लिए बोला जाता था लड़कियों को अलग रहने के लिए। NCERT का एग्जाम्पल है, ठीक है। पीपल इन आवर सोसाइटी बिकम स्टीरियोटाइप्स। तो जो हमारे सोसाइटी में जितने पीपल्स हैं उस वक्त के, जितने थे वो सारे स्टीरियोटाइप्स थे, मतलब कि उनका नेगेटिव थॉट हरदम दिमाग में चलते रहता था कि लड़की ये नहीं कर सकती है, लड़का वो कर सकता है, ठीक है। स्टीरियोटाइप का मतलब नेगेटिव थॉट ग्रेजुअली दिमाग में बढ़ते रहना और आते रहना, ठीक है। मोस्ट फैमिलीज प्रेशराइजेस गर्ल्स फॉर मैरिज आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल, बिकॉज इन द फैमिली द ओल्डर वन हैज ड्रीम टू सी हिज हर डॉटर मैरिज। तो बता रहा है पॉइंट कि बहुत सारे फैमिलीज में होता है, अभी भी आपको मिलेगा मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी, जो अभी भी बैकवर्ड हैं उनमें दिखेगा आपको ये चीज़। वो क्या करते हैं कि जैसे बेटी का, मतलब गर्ल का स्कूल ख़त्म होता है, उसी साथ उसी के लगे हाथ उनका शादी कर दिया जाता है। क्यों? तो क्यों? क्योंकि उनके जो बाबा हैं, उनके जो नाना हैं, उनका शादी देखना चाहते हैं, ठीक है। ये बोल करके मतलब फैमिली को सामने ला करके रख देते हैं कि बेटी का शादी कर दीजिए, ठीक है। समझ रहे होंगे आप मेरा बात को, आप कहीं ना कहीं देखे भी होंगे ये चीज़ अभी के सोसाइटी में। बॉयज़ आर कंपेयर विद अदर्स इफ दे डोंट हैव गुड जॉब विद गुड सैलरी। तो बॉयज़ को भी कंपेयर किया जाता है, सिर्फ गर्ल्स के साथ नहीं होता था, कुछ बॉयज़ के साथ भी होता था। बॉयज़ को क्या किया जाता था? कंपेयर किया जाता था कि अगर आपके पास अच्छा जॉब नहीं है, ठीक है, और दूसरे के पास अच्छा जॉब है, ठीक, उससे आपको कंपेयर किया जाता था कि दोनों साथ में पढ़े, एक जगह पढ़े, लेकिन वो अच्छे जॉब पे हैं, आप अच्छे जॉब पे नहीं हैं, ऐसे कंपेयर किया जाता। अभी भी आप देखते होंगे घर के आसपास, कभी मम्मी पापा ही कभी कभी कर देते हैं कंपेयर, ठीक। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लर्निंग फॉर चेंज। अब यहाँ से क्या हुआ, इतना ये क्या था आपको जेंडर के साथ लिंक करके बताया गया जितना टॉपिक्स था, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे चेंज आया, अब इससे उभरे कैसे सब, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अटेंड स्कूल्स। तो सबसे पहला अगर चेंज लाना है ना, तो स्कूल में स्कूल अटेंड करना जरूरी है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है। सोसाइटी डज नॉट अलाउज वुमेन टू अटेंड स्कूल एंड बॉयज डज नॉट गो टू स्कूल। तो सोसाइटी ना उस वक्त, जब पहले का सोसाइटी था, वो क्या करता था, वो गर्ल्स को अलाउ नहीं करते थे स्कूल जाने के लिए। क्या क्या रीज़न है मैंने आपको इसके पहले के चैप्टर में भी बताया, जेंडर के वक्त में, ठीक है। उसमें बताया था मैंने कि अगर वो किसी चौराहा, अगर किसी चौक के थ्रू जाएंगे वो लोग, चौक से होते हुए अपने स्कूल जाएंगे, तो उस दौरान कोई आदमी उनको देखेगा, कोई ऐसा करेगा। NCERT में ही ये सब लिखा हुआ, इसलिए घर वाले इनसिक्योर फील करते थे, बोलकर उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, ठीक है। उस गर्ल्स पे तो रोक लगा दिया, लेकिन बॉयज़ पे, बॉयज़ खुद स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। क्यों नहीं जाते थे?
बॉयज़ डू द फैमिली वर्क आफ्टर देयर फादर एंड गर्ल्स प्ले द सपोर्टिव रोल। तो वही हुआ जो हर घर पे होता है अभी भी कि बॉयज़ क्या हुए फैमिली को फैमिली बिजनेस जो होता है उसको ज्वाइन कर लिए और गर्ल्स उसमें फैमिली में सपोर्टिव रोल प्ले की और उसके बाद शादी कर दिया जाता था। ठीक है, तो फ्रॉम 19th सेंचुरी सोसाइटीज अलाउड बोथ गर्ल्स एंड द बॉयज़ टू अटेंड स्कूल। तो 19th सेंचुरी से अब धीरे धीरे सोसाइटी में ग्रोथ दिखने लगा था और माइंडसेट चेंज होता रहा पीपल का। उसके कारण क्या हुआ, अब लड़कों और लड़कियां दोनों को स्कूल भेजना चालू कर दिए घर वाले। ठीक है, बट सम पीपल डजंट अलाउ टू अटेंड टू देयर चिल्ड्रंस टू गो स्कूल। कुछ पेरेंट्स थे जो कि बच्चों को स्कूल अभी भी जाने नहीं दे रहे थे। ठीक है, उनके बीच में से जो जिनको स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा था उनके बीच में से एक बहुत बड़ा फिगर सामने आए, उनका नाम था रसुंदरी देवी। ठीक है, रसुंदरी देवी जिनका बर्थ 1800 में हुआ और डेथ कब हुआ, 1890 में। तो ये 19th सेंचुरी की ही है, 19th सेंचुरी 1800 से चालू होता है और 1899 में जा करके ख़त्म होता है। ठीक है, 19th सेंचुरी में इनका ही बर्थ हुआ और वहीं पे ये घर पे ही बैठ करके वो क्या की, सीक्रेटली स्टडी की, छुप करके स्टडी की और कुछ वक्त जाने के बाद वो एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी मतलब कि अपने ऊपर एक बुक लिखी जो कि अपने जीवन के बारे में बता रही थी, वो कैसे पढ़ी, कैसे कैसा स्थिति देखी, वो उस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रही थी। कौन सा बुक का, बुक का नाम था अमर जीवन। जिस बुक में वो अपने ऑटोबायोग्राफी का अपना नाम देती है अमर जीवन, जिस बुक में वो बताई थी कि उनका लाइफ कैसे बीता था। ठीक है, तो इसका आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। तो आपको मैंने 19th सेंचुरी तक आपको समझा दिया है और उसके अब आगे का सिनेरियो कैसे कैसे बदला, क्या क्या आज़ादी के बाद हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री में, वही चीज़ को अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा ये दो टॉपिक में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1961 ऑन बेसिस ऑफ लिटरेसी एज स्कूलिंग अबाउट 40% ऑफ बॉयज और मैन नोज टू राइट देयर नेम एंड डेट इज दे आर लिटरेट। तो बता रहा है कि जब जनगणना हुआ, सेंसस हुआ, किसके बेसिस पे, लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, एज, कितने एज के पीपल हैं, फिर स्कूलिंग, स्कूल कितने जन अटेंड किए हैं, उस बेसिस पे जब हुआ हमारा सेंसेक्स जनगणना, कब का, 1961 का, तो उसमें रिपोर्ट आया सामने कि अराउंड 40% के अराउंड पीपल क्या है, मैन जो हैं वो क्या है, लिटरेट हैं, वो पढ़े लिखे हैं। लिटरेट का मतलब अपना नाम लिखने वो लोग जानते हैं। ठीक है, अपना नाम, पापा का नाम, मदर का नाम, ठीक है, फादर्स मदर्स नेम भी वो लोग लिखने जानते हैं। तो अब फिर उसमें वुमेन का भी था, खाली कंट्री में होगा तो थोड़ी मैन का होगा, वुमेन का भी होगा। तो वुमेन का जब हुआ तो वुमेन का पता चला कि अराउंड 15% वुमेन, 15% गर्ल हो या वुमेन हो वो लिटरेट हैं। मतलब कि वो लोगों भी अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम और खुद का नाम लिखने जानते हैं। ठीक है, ये 1961 का था, लेकिन इससे आपको पता चल रहा होगा कि बॉयज़ और गर्ल्स में कितना गैप है, 25% का गैप है, बहुत बड़ा गैप होता है ये। ठीक है, और जब इसी गैप को ध्यान रखते हुए फिर 2011 में सेंसेस, तो हर 10 साल में होता है सेंसेस, हर 10 साल में होता है, लेकिन वो ऐसे होता था कि सिर्फ उनका ये गिनना है, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, समझ आ रहा होगा ना, सेंसेस रेगुलरली अगर होता है 10 साल में तो पॉपुलेशन बेसिस पे ही होता था, और फिर 2011 में जैसे 1961 में हुआ था फिर वैसे ही 2011 में किया गया, तो पता चला कि 82% बॉयज़, ठीक है, 82% मैन या बॉयज़ क्या है, वो लिटरेट हैं, वो अपना नाम लिखने जानते हैं, अपने फादर का नाम और अपने मदर का भी नाम लिखने जानते हैं। लेकिन बेसिकली लिटरेट में अपना नाम लिखना आना चाहिए। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं लिटरेट, बोलते हैं ना जो अंगूठा लगाता है अनपढ़, उसको अपना नाम लिखने नहीं आता, तो जिनको अपना नाम लिखने आता है उनको बोलते हैं लिटरेट, खासकर उनको। ठीक है, और अबाउट 65% ऑफ गर्ल्स उसमें क्या थे, लिटरेट। तो ये देखिए गैप कम हो गया, यहाँ 25 का गैप हो रहा था तो यहाँ पे अराउंड 23 या कि कुछ का गैप बनेगा आपका। ठीक है, तो गैप थोड़ा कम हो गया, मतलब कि हमारा सोसाइटी अब वुमेन और गर्ल्स पे भी फोकस कर रहा था। ठीक है, तो गर्ल्स का स्कूल कम जाना उसका भी बहुत सारा रीज़न था।
एक तो सोसाइटी का रीज़न मैंने आपको बताया था, और दूसरा और ही एक सोसाइटी का ही पार्ट है, वो है कास्ट सिस्टम, जो कि हमारा हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तो कैसे डेवलप हुआ वो हमको पता चलेगा। तो कास्ट सिस्टम जो था इंडिया में, ये भी बहुत बड़ा दुश्मन था वुमेन एजुकेशन का, क्योंकि वुमेन या मैन जिसका भी एजुकेशन, बेसिकली दोनों का बात करूंगा मैं आपके पास, दोनों का एजुकेशन का, क्योंकि वो दोनों का एजुकेशन में रोक तब लगता था जब वो SC होते थे, ST होते थे, ठीक है, जब छोटे जाति से जब बिलोंग करते थे वो, तब उनके ऊपर रोक लगा दिया जाता था स्कूल जाने से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको ये वाला पार्ट। और अब आगे देखते हैं वुमेन्स मूवमेंट, तो क्या क्या नया नया चीज़ लाने के लिए वुमेन भी बहुत संघर्ष किए हैं। ठीक है, सोसाइटी जो आज हमारा है वुमेन को एक कंसिडरेशन देता है, उसके लिए वुमेन भी बहुत मेहनत किए हैं, उसका एक झलक है इधर। द चेंजेस हैपन ओनली ड्यू टू वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड सम वेयर चेंज्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो चेंज है सोसाइटी में वो वुमेन खुद लाई, और वुमेन के साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रुप ऑफ वुमेन है, और मैन भी हो सकते हैं उसमें, जरूरी नहीं है कि वुमेन का ही ग्रुप हो, और वो क्या करते हैं वुमेन एजुकेशन को पुश करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, सोसाइटी में बूस्ट आ गया, और वो ही बूस्ट जब आया सोसाइटी में तो उसके कारण ऑटोमेटिकली भी सोसाइटी में बहुत चेंज होने लग गया। किसी को प्रेशर करना पड़ता था तो कोई उसको देख करके ही अपने आप सीख जाता था, समझ रहे होंगे ऑटोमेटिकली का मतलब। मेनी मैंस ऑल्सो सपोर्टेड वुमेन टू ग्रो, बहुत सारे मैन भी थे जो कि वुमेन को सपोर्ट किए। ठीक है, वो शादी के बाद भी वो हस्बैंड भी थे, शादी के पहले वो भाई और पापा भी थे। ठीक है, हर सोसाइटी में, हर घर में कोई एक तो होते थे जो वुमेन को सपोर्ट करते थे। ठीक है, हर घर में तो नहीं, हर, गलत बोल गया मैं, हर घर में नहीं, जगह जगह पे कहीं कहीं दिख जाते थे ऐसे, जो कि अपने घर की औरतों को सपोर्ट करते थे टू गेट एजुकेशन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो जैसे जैसे ये सामने निकलते गए ना वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके सामने ना डिफ़िकल्टीज भी आते जाते थे। ठीक है, उसके कारण क्या करते थे ये लोग, दूसरा दूसरा तरीका अपनाते थे। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाते थे, जिससे कि क्या होता था, वो डिफ़िकल्टीज को ओवरकम कर जाते थे, ओवरकम मतलब कि पार कर जाते थे। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपको क्लियर हो रहा होगा वुमेन्स का मूवमेंट। अब वुमेन मूवमेंट का नाम तो लिया था, यहाँ पे वुमेन मूवमेंट का जिक्र नहीं किया था, कैंपेनिंग में आपका वुमेन मूवमेंट को जिक्र किया है। तो कैंपेनिंग में क्या क्या किया है देखते हैं अभी हम। ठीक है, कैंपेनिंग हैपन टू फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो कैंपेनिंग जो हुआ, ठीक है, कैंपेनिंग जो हुआ वो वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से और वायलेंस से बचाने के लिए हुआ। ठीक है, जैसे कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ही खुद ऑर्गेनाइज करते थे। क्लियर हो रहा होगा आपको ये पॉइंट इसके साथ। ठीक है, इन 1997 वुमेन केम टू रोड बिकॉज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट देयर वर्क प्लेस। तो NCERT में था ये एक एग्जांपल, तो वहीं से मैंने उठाया आपके लिए 1997 में। ठीक है, वहाँ पे वुमेन्स क्या किए, बहुत सारे कंट्री विद, पूरा कंट्रीज में कहीं भी आपको ये न्यूज़ में, कहीं न्यूज़ आउटलेट में भी दिख जाएगा, NCERT में फ़ोटो के साथ न्यूज़ आउटलेट भी है। ठीक है, मतलब फ़ोटो है न्यूज़पेपर का वहाँ पे। वो क्या बता रहा है कि 1997 में वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था। ठीक है, उनके साथ अच्छा बिहेव वहाँ पे नहीं किया जाता था जहाँ पे वो काम करते थे, उनके वर्क प्लेस पे। ठीक है, तो उसके कारण वो क्या किए, एक रोड पे आकर के एक आंदोलन चालू कर दिए थे। ठीक है, तो ये वुमेन मूवमेंट और कैंपेनिंग दोनों को साथ रख के समझेंगे तो अच्छा समझ आएगा आपको। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा आपको ये सारा पार्ट। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ही ख़त्म होता है, तो इसके बाद हम लाएंगे क्लास 6-7 का ही बहुत सारा वीडियोज, अभी बाकी है, ज्योग्राफी बाकी है, हमारा हिस्ट्री बाकी है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो आते रहेगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।